बैतूल में उचित मूल्य दुकान के माध्यम से गरीब लोगों तक पहुंचने वाले अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। यहां सोसाइटी में अनाज को अपने निजी गोदामों में भरा जा रहा था। मामला शहर के शंकर नगर का है, जहां सुबह एक ट्रक अनाज सोसाइटी ना पहुंचकर निजी गोदाम में खाली कराया जा रहा था। पुलिस और प्रशासन को मामले की भनक लगी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों क्विंटल अनाज और कैरोसिन निजी गोदाम बरामद किया। बताएं क्या पूरा मामला है। आज प्रातः में वरिष्ठ अधिकारियों से सूचना प्राप्त हुई थी कि उचित मूल्य दुकान की कुछ सामग्री यहां पर लोकल नवीन साहू के गोडाउन में रखी हुई है। प्राप्त सूचना के आधार पर मैं और SDO के साथ राय साहब ज्वाइंटली हम लोग यहां से पुलिस और राजस्व की टीम के साथ हमारे तहसीलदार साहब सभी लोग यहां मौके पर आए और यहां पर आकर पाया कि यहां पर उचित मूल्य दुकानों की कुछ सामग्री जो है गेहूँ, चावल, चना, नमक और शक्कर तथा मिट्टी तेल ये यहाँ पर स्टॉक करके रखे हुए हैं। तो वर्तमान में अभी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, जब्त करके यहाँ सील बंद किया जाएगा गोडाउन और आगे उसमें जांच की कार्रवाई। कितनी मात्रा में मिला है सर? मात्रा में अभी तो आपको डिटेल नहीं बता सकता, मात्रा थोड़ी देर में आपको बता दूंगा क्या क्या जब्ती में। सर किसी और कोई व्यक्ति भी पकड़ाया है? तो सर मैं अभी आपको कॉल कर। अच्छा।